दोस्तों यूएस के अंदर जो सीपीआई डाटा था वो फाइनली आज निकल के यहाँ पे आ चुका है, जिसका सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। अब इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें क्या पड़ता है वो देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ हम क्या ट्रेड इस टाइम पर ले सकते हैं वो पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सीपीआई डाटा जो निकल के आया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीपीआई डाटा जो निकल के आया वो आया है 8.2 का। अब 8.1 जो था वो एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे थे यूएस के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8.1 का हमें देखने को मिलेगा, पर निकल के क्या आ गया 8.2। तो ऑल ओवर हम देखें अगर इकोनॉमिक्स के नजरिए से तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी जो थी वो 8.1 की यहाँ पे थी। बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे प्रीवियस यहाँ पे मंथ्स के हिसाब से देखोगे, अगर थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे, तो कहीं ना कहीं हल्का सा पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। वो पॉजिटिव क्यों देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर आप चार्ट उठा के देखोगे पिछले 6 महीने का, तो लगातार आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जो है या फिर सीपीआई डाटा जो है वो डाउन जाता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये चार्ट यहाँ पे शो करता है कि कहीं ना कहीं यूएस के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा रहा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। अब देखो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें दोबारा बढ़ते हुए देखें, बट हो सकता है इस बार कम बीपीएस के हिसाब से बढ़ें, या फिर अगर नेक्स्ट मंथ में दोबारा भी बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं चांसेस अब दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप इसको देखते हो तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है हमारे लिए कि सीपीआई जो है यहाँ पे अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल के बाहर नहीं गया है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में हमें डंप्स भी देखने को मिल सकते हैं या फिर मार्केट साइडवेज भी हमें जाते भी दिख सकती है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि एसएमबी समिट जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है, इसको आप देख सकते हो, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है यूएस का, आप कैसे देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर जाना है आपको, सिंपल यहां पे सर्च करना है S&P, और जैसे ही आप सर्च करोगे या SPX सर्च करोगे इंडाइसिस में, जैसे आप जाओगे सबसे ऊपर आपको S&P 500 देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप उसको देख सकते हो। ये मार्केट जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट करेगी, अगर सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड करती है बहुत अच्छी बात है, प्राइस यहाँ से अपसाइड हमें दिखा सकता है, बट जैसे ही अगर ये सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाती मार्केट और गैप डाउन यहाँ पे खुलती या फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रैश आता है, तो समझ लेना बिटकॉइन भी यहाँ पे नहीं रुकने वाला और बिटकॉइन के अंदर भी यहाँ पे क्रैश हमें देखने को मिलेगा। अब पूरा टोटली इसके मार्केट के ऊपर डिपेंड है, तो आपको मार्केट के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली नजर रखनी है। यूएस की मार्केट जो यहाँ पे आपको 7.5-7.75 तक खुलती हुई दिख जाएगी आपके यहाँ पे चार्ट के ऊपर, और उसके ऊपर से आप अंदाजा रख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे बिटकॉइन अभी सिर्फ यूएस की मार्केट का ही मेरे हिसाब से वेट कर रहा है, उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ आपको दिखने वाला है, और बिटकॉइन का रिएक्शन जो मेरे हिसाब से रहेगा अगर वहां पर गैप डाउन हमें देखने को मिलती है यूएस की मार्केट, तो यहाँ पे भी बड़ा क्रैश आएगा और हम $17,600 तक गिरते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे जो यहाँ पे ट्रेड लेनी है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। मेरा एक स्टॉप लॉस था यहाँ पे, मैं स्पॉट बाय करके रखा था, जो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। 1 आवर का चार्ट यहाँ पे हम खोल लेते हैं। 1 आवर के अंदर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था एक लगभग $18,400 पे स्पॉट बाय के अंदर, वो हिट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने आपको बोला था कि हम शॉर्ट करेंगे अगर ये लेवल टूटता है $18,900 का, तो वो लेवल टूट चुका है, तो आप चाहो तो एक शॉर्ट एंट्री यहाँ पे बना सकते हो अपनी। शॉर्ट एंट्री कहाँ से बिल्ड करनी है, $18,500 की रेंज से बिल्ड करनी है। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है $19,100 पे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। हाई वोलेटिलिटी मार्केट है, तो आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो कि यहाँ पे S&P हमें एक बार खुल जाए, उसके बाद जैसे ही उसका मूवमेंट रहता है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना ट्रेड मैनेज करो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अगर S&P 500 यहाँ पे पॉजिटिव खुल गई तो हो सकता है हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाए यहाँ पे मार्केट के अंदर, और वो अपसाइड भी बड़ा यहाँ पे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हल्का सा पॉजिटिव है, बट ऑल ओवर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से डंप ही आता हुआ हमें देख सकता है। हो सकता है मार्केट रिटेस्ट कर ले, एक बार बिटकॉइन रिटेस्ट कर ले इस लेवल को, उसके बाद डंप आए, लेकिन डंप आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं इस समय पे। तो मैं पर्सनली यहाँ पे अपनी जो ट्रेड बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ले रही है बेसिकली $18,400 से, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह पे $19,300 पे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर मैंने रखा है क्योंकि मैंने चाहता मैं लिक्विडेट हूँ यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे ये जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, ये जो पंप्स रन देखने को मिल रहे हैं समय पे, मैं उसमें लिक्विडेट नहीं होना चाहता, तो स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे डेली चार्ट का भी सहारा ले सकते हो, उसके हिसाब से ट्रेड देख सकते हो। और इथेरियम के अंदर भी वही सेम मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, इथेरियम को अलग तरीके से नहीं देख रहा हूँ, चाहे आप बाकी कॉइन्स को देखोगे वहाँ पे भी मैं यही सेम सिचुएशन यहाँ पे देखूंगा। आप कार्डानो को देख लो, मैटिक को देख लो, सबके अंदर वही सेम सिचुएशन बनेगी, सब एक सपोर्ट लेवल पे है। जैसे ही S&P में खुलेगी, सपोर्ट होल्ड करा तो ये सब सपोर्ट होल्ड करेंगे, S&P में टूटी तो ये सब टूटते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सेम बिटकॉइन का भी वही हाल है। बाकी चाहो तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप दो चीजें कर सकते हो, पहला क्या कि आपने बिटकॉइन के अंदर यहाँ शॉर्ट ले ली, स्टॉप लॉस लगा लिया। दूसरी चीज आप कर सकते हो, BNB के अंदर एक बाय लेके, जो ये लेवल है $258 के ऊपर, एक स्टॉक स्पॉट बाय लेके जस्ट इसके नीचे $255 पे एक स्टॉप लॉस ला सकते हो, क्योंकि BNB का बर्न भी आ रहा है। अभी CZ ने यहाँ पे ट्वीट करा था, मैंने देखा था, BNB का बर्न भी आ रहा है, और BNB एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पे है, जो कि टूटता है तो क्रैश डेफिनेटली आएगा, लेकिन हाँ यहाँ से जंप आता है तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा। तो ऑल ओवर यही आज के लिए ट्रेड थी दो, एक BNB की हमारी जो स्पॉट बाय रहेगी, और एक यहाँ पे हमारा बिटकॉइन का जो ट्रेड है शॉर्ट ट्रेड, जो कि हमारा यहाँ पे डंप के हिसाब से रहेगा।
अब ये दोनों ही ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैंने दो ट्रेड इसलिए लिए हैं बेसिकली, ताकि अगर एक साइड में लॉस भी होता हूँ तो एक साइड से मैं रिकवर कर लूँ, क्योंकि जिधर साइड भी मूवमेंट आएगा वो सही में बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, चाहे वो अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पे दो ट्रेड ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस के साथ इसलिए ले रहा हूँ ताकि छोटा लॉस हो, दूसरी साइड जो रिकवर हो वहाँ पर मेरा ऑल ओवर प्रॉफिट हो जाए। होपफुली आप समझ गए होगे, आप ट्रेडिंग करते होगे डेफिनेटली। आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको अपना माइंड जरूर यहाँ पे यूज करना है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपके लिए, मेरी सारी वीडियो जो होती है मेरा पर्सनल एक्सेस यहाँ पे होता है। बाकी एक चीज और बोलूंगा कि टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही सीपीआई डाटा आया था वहां पे मैंने आपके साथ न्यूज शेयर कर दी थी, और जैसे ही यहाँ पे एसएमपी में मार्केट खुलेगी, यूएस की मार्केट कंडेक्स खुलेगा, वो भी मैं वहीं पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके हिसाब से अपने ट्रेड को आप और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो।